नेहरूनगर अंजोरा बाईपास रोड स्थित हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में आज शुक्रवार को बाल मेले का एक दिवसीय आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि स्कूल के डायरेक्टर बिजमोहन उपाध्याय द्वारा किया गया। शिक्षा के अलावा व्यवसायिक कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाल मेले का आयोजन किया गया था। बाल मेले में भोज्य पदार्थ के स्टॉल स्कूल के बच्चों के द्वारा लगाए गए थे। जिले में संचालित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बच्चों का उत्साहवर्धन करने विभिन्न प्रकार के आयोजन प्रायोजन किए जाते हैं। हर त्योहार में बच्चों को यहाँ पर हिस्सा लेने प्रेरित भी किया जाता है। इसी कड़ी में एक दिवसीय बाल मेले का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया। यहाँ शाला के डायरेक्टर ब्रिजमोहन उपाध्याय सहित शाला की प्राचार्या सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। बच्चों ने यहाँ पर स्टॉल लगाकर अपने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निखारा। किसी ने पाक कला में अपना जौहर दिखाया तो किसी ने यहाँ पर अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को गेम्स के माध्यम से दर्शाया। स्कूल का उद्देश्य यहाँ पर बच्चों में ऊर्जा का संचार करना और साथ ही व्यवसाय के बारे में जानकारी देना है। बच्चों ने जहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो वहीं शाला प्रबंधन के द्वारा भी आयोजन का उद्देश्य इस प्रकार से बताया गया। सबसे पहला हमारा उद्देश्य तो यह है कि बच्चों के जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको शोकेस कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं। और दूसरा ये है कि बच्चे इससे बिजनेस करना सीख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, इसके थ्रू बच्चे सीखेंगे। और सबसे बड़ा मोटिव हमारा इसके पीछे ये है कि बच्चों को जो भी प्रॉफिट होता है आज, उसका कुछ भी परसेंटेज जो उनकी इच्छा है वो थोड़ा सा परसेंटेज डोनेट करेंगे, और वो डोनेशन जो है उसका हम लोग डबल करके स्कूल की तरफ से डबल अमाउंट हो जाएगा, और फिर हम उसको ऑर्फनेज में जाके डोनेट करके आएंगे। ये हमारा मेन मोटिव है। आज तो हम लोग खुद ही देखकर बहुत हैरान है कि बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें, खासकर बॉयज, वो लोग भी सीखना चाह रहे हैं ये सब टैलेंट्स। जरूरी नहीं है आज के टाइम में कि सिर्फ गर्ल्स ही हर चीज सीखें या बॉयज ही हर चीज सीखें, बॉयज और गर्ल्स दोनों को सीखना चाहिए आज के टाइम में। आज स्कूल में जो है बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो है बच्चों ने बाल मेला लगाया है। इस बाल मेला में बच्चों ने अपना जो है खुद प्रिपरेशन करके डिफरेंट खाने के स्टॉल लगाए हैं, जैसे कि आपका पानी पूरी है, आपका ये केक वगैरह बनाने का है, चाइनीज है, सभी टाइप के फूड जो हैं बच्चों ने रखा है, ड्रिंक्स रखा है, लस्सी बना रहे हैं। तो खाने के वैरायटीज आर मैनी, जैसे चौपाटी में जितनी वैरायटी मिलती हैं उससे ज़्यादा वैरायटी आपको इस बाल मेला में देखने को मिलेंगी। और सब जो इसमें विशेषता ये है कि जो भी बनाया गया है तो बच्चों का अपना योगदान है, अपने योगदान से ही बच्चों ने किया है, इसमें किसी की हेल्प नहीं ली है। जैसे पाव भाजी है तो भाजी भी बच्चों ने बनाया है, इवन जो बॉयज़ हैं बॉयज़ ने पाव भाजी बनाया है, भाजी उनका है, पाव मार्केट से लाए हैं और इस प्रकार से उन्होंने किया है। फ्रिज वगैरह, छोटा एक फ्रिज ला करके उसमें आइसक्रीम का, कोल्ड ड्रिंक का उन्होंने अपना हिसाब से स्टॉल रखा हुआ है। तो बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई एक्चुअली फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, वो प्रोत्साहन देने के लिए ये बाल मेला का ये किया गया है। दूसरा, बच्चों ने बहुत सारे गेम्स रखे हैं, साइंटिफिक गेम भी हैं कि जिसमें आप गेम खेलने जाएंगे तो आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, यदि आप वायर से एक रिंग पास करते हैं तो वो रिंग जो है यदि आपका वायर से टच हो गया तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा, वायर से यदि टच नहीं हुआ तो आपको प्राइस मिलेगा। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में बच्चों ने गेम्स तैयार किए हैं और चांसेज ऐसे हैं कि बच्चों के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो पेरेंट्स देखेंगे उनको वो मनी लूज करेंगे और बच्चे मनी गेन करेंगे। तो उसमें जो उन्होंने बच्चों ने ये गेम्स बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है कि बहुत ही रेयर चांस में कभी बच्चा लूज करेगा, अदरवाइज बच्चा लूज नहीं करेगा। तो बच्चों का जो बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए और उनको रियल लाइफ के चैलेंज बताने के लिए इस बाल मेला का आयोजन किया गया है और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। और बच्चों के भविष्य के लिए मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर।
ये स्कूल में जितने भी फंक्शंस होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग से होते हैं और पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छा एक प्रोत्साहन है बच्चों के लिए कि पढ़ाई से थोड़ा हटके ये सब करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो इन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि ये घर में कुछ नहीं करता और यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से फ्रेंड्स और इन लोग करते, बहुत अच्छा लग रहा है देखे। सभी स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, इससे पेरेंट्स और बच्चे दोनों की बॉन्डिंग भी होती है और एक बहुत अच्छा सा माहौल रहता है। बहुत अच्छी करना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये गेम है, एक ऐसा गेम है, इसमें तीन सेक्शन है, डाउन 7, लकी 7, अप 7। इसमें आप किसी में भी पैसा लगा सकते हैं जितनी आपकी मर्जी हो। डाउन 7 ये दो डॉक डाइज आप चलेंगे, 7 के नीचे आना चाहिए, 7 के नीचे आया तो आपका पैसा वापस। लकी 7 सिर्फ 7 ही आना चाहिए, इसमें पैसा आपका डबल हो जाएगा। अब 7 7 के ऊपर आना चाहिए, इसमें भी आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। सर हम लोग स्टॉल लगाए हुए हैं, हम यहाँ पे क्या स्टॉल लगाकर बेच रहे हैं अपना सामान, और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। सर बहुत अच्छा जा रहा है, अभी स्टार्ट भी बहुत अच्छी हुई है हमारी और अभी सब कुछ अच्छा जा रहा है हमारा। हमने बनाया पापड़ी चाट, फ्रेंच फ्राइज और चाय। सबका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है हमारे साथ, सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी, तो बहुत अच्छे से हो रहा है। नहीं सर खुद बना रहे हैं। बहरहाल एक दिवसीय बाल मेले के आयोजन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।